ओए। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत है, इसे बोलते हैं असली बॉडी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है बेहद ही इंटरेस्टिंग है और बहुत खूबसूरत भी है, क्योंकि मैं इस वक्त आ चुका हूँ साहिबाबाद के एक ऐसे पार्क में जो कि बेहद ही सुंदर और बहुत बड़ा है, और यहाँ पर देखने के लिए काफी कुछ है। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर के अंदर जो है स्वस्थ दिमाग का वास होता है। अगर आपका खान पान अच्छा है और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो आपका शरीर तरोताजा रहता है, उसमें कोई बीमारी नहीं लगती है, और आपका जो रक्त संचार है वो भी तेज रहता है। मगर आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलनी चाहिए, और ऑक्सीजन आपको तभी अच्छी मिलेगी जब आप एक ऐसे पार्क में जाएंगे जहां पर हरियाली ही हरियाली हो चारों तरफ, और जड़ी बूटियां भी हो, और देखने को काफी कुछ हो। तो ऐसे ही जो है मैं एक पार्क में आ चुका हूँ जिसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क। ये साहिबाबाद में स्थित है और बड़ा ही ब्यूटीफुल है और बहुत बड़ा है। तो चलिए आज जो है मैं आपको ये पार्क जो है अच्छे से दिखाता हूँ, ये पार्क कैसा है और यहाँ पर क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं। गेट की एंट्री, यहाँ पर 10 रुपए की टिकट लगती है, और एंट्री के बाहर आप देख सकते हैं खाने पीने की भी सुविधा है यहाँ पर, और ई रिक्शा के माध्यम से जो है आप यहाँ पर आ सकते हैं। पार्किंग की सुविधा भी है, आप अपनी बाइक या फिर गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, और ये वाला जो पॉइंट है रनिंग का पॉइंट है, आप वॉक कर सकते हैं और रनिंग भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बच्चों की भीड़ आती जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जीवन और विचारधारा के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनकी जो है यहाँ पर मूर्ति खड़ी हुई है काफी बड़ी और लार्ज, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क का लोकार्पण माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा बुधवार दिनांक 13 सितंबर 2006 को इस पार्क को जो है संपन्न हुआ था ये पार्क। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पार्क। तो सामने की तरफ जो है मेन एंट्रेंस है, वहां से एंट्री होती है, और अगर आप सुबह 10 बजे के बाद यहाँ पर आते हैं तो आपकी 10 रुपए की टिकट लगेगी। उसके बाद जो है शाम के 7 बजे तक टिकट रहती है, उसके बाद ये फ्री है, और मॉर्निंग में फ्री रहता है, सुबह 8 बजे से पहले पहले अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये फ्री रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए पार्क चारों तरफ से जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए जो है झूलो का प्रबंध किया गया है, तो यहाँ पर बच्चे आते हैं और झूले भी झूलते हैं। यहाँ पर ये वाला झूला भी है, जंपिंग जैक वाला, और ये भी है और ये भी है। अब दोस्तों इसे ध्यान से देखिए, ये है हैंगिंग बार। अधिकतर ये जो हैंगिंग बार है ना, मैंने विदेशों के पार्कों में देखा है, मतलब टीवी में देखा है, वहां पर जो है हर जगह आपको मिलेगा। और मेरी बचपन से शिकायत रही है कि यार घर के आसपास जितने भी पार्क होते हैं वहां पे हैंगिंग बार होता ही नहीं है। तो मुझे जो है बड़ी फाइनली खुशी हुई कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में जो है ये हैंगिंग बार लगा हुआ है, यहाँ पर लटक कर जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पुलअप्स मार सकते हैं, चिनअप्स मार सकते हैं। मोस्टली जो पार्क में हैंगिंग बार होते हैं वो थोड़े से ट्रायंगल टाइप के होते हैं, जबकि वो सही नहीं होते हैं, हकीकत में ये होता है सही हैंगिंग बार। तो गाइस काफ़ी मज़ा आता है जब आप ऐसे हरे भरे पार्क में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त तो ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी बढ़िया है। और मैं आपको यहाँ पर जो है अभी मैं आपको यहाँ पर जो है पेड़ पे दिखाता हूँ, पेड़ पे कितने बढ़िया बढ़िया फूल। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं पेड़ों के ऊपर।
अब ये वाला जो एरिया है ये एक्सरसाइज करने वाला ही है। अधिकतर जो है पार्क में आपको ऐसे झूले मिलेंगे लटकने के लिए, तो ये मुझे सही नहीं लगते हैं। ये बच्चों के लिए तो सही है, वो यहाँ से वहाँ जाए। यहाँ पर अभी थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, पानी भर जाता है, तो यहाँ पर भी झूले लग रहे हैं। ये पार्क दोस्तों काफ़ी बड़ा है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं। यहाँ पर कपल्स भी बहुत आए हुए हैं, दिन में जो है कपल्स काफ़ी आ जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं उधर कपल्स घूम रहे हैं। तो उस तरफ जो है ओपन जिम भी है, तो चलिए ओपन जिम के अंदर चलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे मॉर्निंग में जो है लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो जिम है, फिलहाल तो इस जिम की एंट्री बंद की हुई है, ताला लग रहा है यहाँ पर। तो ये जिम जो है मॉर्निंग में खुलता है और शाम और 11-10 बजे के बाद जो है इसको बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओपन जिम में 12 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश करना मना है। ओपन जिम में महिलाओं के लिए आरक्षित समय शाम को 4 बजे से 5 बजे तक निशुल्क है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं, वो जड़ी बूटियों वाला सेक्शन दिखाता हूँ। एक पेड़ और भी है यहाँ पर जिसमें फूल लगे हुए हैं ऊपर, तो यहाँ पर भी जो है फूलों की क्यारी है। ये देखिए कितनी सुंदर फूलों की क्यारी है यहाँ पर। तो वहाँ वो अपनी निब्बा निब्बी बैठे हुए हैं, और ये देखिए यहाँ पर भी फूलों की क्यारी है, वहाँ कुछ लड़के प्रैक्टिस करते हुए। और उस तरफ है जड़ी बूटियों वाला सेक्शन, तो वहाँ चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितना घना जंगल सा लगता है, हालांकि है ये पार्क लेकिन फिर भी जंगल सा लगता है, और बड़ा ही मजा आता है दोस्तों, बहुत सुकून है यहाँ पर। ये देखिए आपके घर के आसपास कौन सा ऐसा पार्क है जहाँ पर इतनी हरियाली हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ ये जो छोटी छोटी क्यारियाँ हैं ना, तो ये सारी जड़ी बूटियों वाली हैं। तो यहाँ पर ये भालू भी बैठा हुआ है, ये भी जड़ी बूटी है। अब ये जड़ी बूटी है कौन सी है मेरे को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने इसके नाम नहीं दिए हुए हैं। तो ये सारा सेक्शन जो है जड़ी बूटियों का है, और दिखने में बहुत खूबसूरत है, ये देखिए। तो दोस्तों ये सारा एरिया जड़ी बूटियों का है, ये देखिए पक्षी कितना बढ़िया जा रहा घूमता हुआ। अब मैं आपको वो एरिया दिखाता हूँ जब मैं मॉर्निंग में आता था और एक्सरसाइज करता था, जिस जगह मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये वो जगह है जहां पर मैं एक्सरसाइज करता था। तो यहाँ पर रनिंग ट्रैक भी है जहां पर आप रनिंग कर सकते हैं, पूरे पार्क का जो है आप चक्कर लगा सकते हैं रनिंग करते हुए। तो मैं रनिंग करते हुए आता था यहां पर इस वाली साइड में। तो यहाँ पर जो है मैं एक्सरसाइज करता था, रनिंग करने के बाद थोड़ी देर यहाँ बैठता था इस वाली सीट पर, और यहाँ से भी जो है इनका स्टैचू दिखता है, ये देखिए। वैसे तो दोस्तों ये जगह जो है पिकनिक स्पॉट भी बन चुकी है, दोपहर को यहाँ पे सभी फैमिलीज आ जाती हैं पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक मनाने के लिए भी बहुत अच्छा पार्क है ये। तो यहाँ बच्चे पेड़ के ऊपर जो है उदम मचाते हुए। अब मैं आपको लेफ्ट साइड लेकर चलता हूँ, अभी मैंने आपको राइट साइड घुमाया था, अब लेफ्ट साइड लेकर चलता हूँ। ये पपीते निकल रहे हैं क्या? फूल। अच्छा फूल है, बच्चों में क्या? अब ये कौन सा फूल है तो पता नहीं मेरे को। कमल का। कमल का तो पानी में होता है, कीचड़ में होता है, वो तो पेड़ पे नहीं होता। जोन सा भी है लेकिन पेड़ बहुत जबरदस्त बड़ा है ये, काफी है। बॉडी निकल रही है इसमें पूरे पेड़ में। हाँ बिल्कुल, सिर पेट निकल रहा है। बीच में क्या निकल रहा है? सिर्फ। अच्छा ये छाती। हाँ भाई, जिम करता है, इसमें बॉडी बॉडी सब निकल रही है।
तो गाइज वो देखिए वहाँ पे शूटिंग चलते हुए, लोग जो है वीडियोस बना रहे हैं, ये देखिए। सो गाइज मेरे साथ है इस वक्त सुमित फिटनेस एक्सपर्ट, जिनकी बॉडी काफी लाजवाब है। अगर आप एप्स देखना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एप्स दिखाता हूँ और काफी बढ़िया एकदम फिट। तो भाई दिखाओ आप अपने एप्स। तो गाइज देखिए इस शख्स को, इसकी जो बॉडी है कैसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो है इंस्पिरेशनल बॉडी है ये। तो भाई कुछ पोज लेकर दिखाओ, ये देखिए। बैक वाला गुड गुड वेरी गुड। तो गाइज ये देखिए असली बॉडी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है गजब की बॉडी, तो इसे बोलते हैं असली बॉडी। वेरी गुड बेटे, ये दोबारा करिए जरा। ये तूने डोले कैसे हिलाए थे, क्या बात क्या भाई एक्सपीरियंस के, तो क्या बात है। तो पेड़ पे चढ़ के दिखा, तू कैसे चढ़ा था एकदम से झटके से, फिर तो जा भाई जा, तू चढ़ के दिखा पेड़ पे। ये तो गाइस ये छोटा सा बच्चा कम पसली वाला देखो ऊपर चढ़ के दिखाएगा आपको, पेड़ बड़ा बलशाली है भाई। ओए ओ भाई तू गिर मत जाइयो, ये बाहू वाली है 5 साल के गिरते पे आया, आज चढ़ गया 5 साल से गिरते पे आया है, पेट पे से आप ऊपर आसमान में पहुंच जाएगा। वीडियो समझाए करें, लाइक करें, डन भाई डन डन डन। चलो आ जाओ खूबसूरत लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे विदेश में हम कहीं टहल रहे हों। तो गाइस वो है सामने से अगर आप देखें तो वो है ट्रैक, और उस ट्रैक पर जो है आप रनिंग कर सकते हैं, और रनिंग करते हुए बहुत किलोमीटर मुझे लग रहा है 3 से 4 किलोमीटर जो है आप जॉगिंग करते रह जाएंगे। और मतलब ये पूरा पार्क इतना घूमने के लिए है कि बस आपका जो रक्त संचारण है वो ठीक हो जाएगा। गाइस है ना ये कितना खूबसूरत पार्क, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये पार्क आपको कैसा लगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर, तो वहाँ से जो है आप ई रिक्शा ले लीजिएगा, और ई रिक्शा वाला आपसे 10 रुपये लेगा, और 10 रुपये लेकर जो है वो आपको यहाँ पर उतार देगा। फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें।